न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी। अकबर जी, क्लिपर 28 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कार्य योजना होगी? देखो, नई जिम्मेदारी मिली है, उसको अच्छे से निभाना है, और जिस उम्मीद से जनता ने कांग्रेस की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है, तो उस पर खरा उतरें। उनको भी लगे कि भाई, हमने बदलाव यदि किया है तो हमारे हित में काम हो रहा है। सर, वन विभाग भी आपको मिला है, फॉरेस्ट कानून को लेकर लगातार आदिवासी समाज मांग उठाते रहता है, तो इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, वन विभाग भी है, जितने भी विभाग हैं सब महत्वपूर्ण है, आवास पर्यावरण भी है, खाद्य भी है, और सभी में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा वैसा प्रयास करके उसको करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी, आप लोग को बहुत बड़ी बहुमत से छत्तीसगढ़ की जनता ने जीता है, तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी अब और बढ़ जाती है, तो किस तरह की पूरी तैयारी होगी? जो घोषणा पत्र हमारा है वो हमारी प्राथमिकता है। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी, कर्जा माफ़ी, सबको 35 किलो चावल, तो इस तरीके के जो भी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है, प्राथमिकता के आधार पर लोकसभा के पहले हमारा प्रयास होगा कि वो पूरा हो जाए, और वो पूरा होने के बाद जनता को भी लगेगा कि भाई, जो इन्होंने कहा उसको पूरा किया, तो उसे बहुत अंतर आएगा, और हमारा लक्ष्य पूरा 11 लोकसभा सीट जीतने का है। सर, नव छत्तीसगढ़ गड़बो का आप लोगों ने नारा दिया था, क्या कुछ होगा नव छत्तीसगढ़? अब वो तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा तब आपको पता लगेगा क्या क्या नया हो रहा है करके, अभी चलने दीजिए थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है, और किस तरह जिस तरह से पूरा घोषणा पत्र जनता के बीच जाकर बनाया गया था उसे पूरा करने की इन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन छन्नू सिन्हा के साथ श्रीकांत यदु, क्लिपर 28 रायपुर। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।